हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो पांडाज के हमारे दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का हम लोगों का टॉपिक है सीरीज इन पांडाज। तो सीरीज क्या होते हैं, इनका यूज क्या होता है, आज की हम टॉपिक में सीखेंगे और सीरीज से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो ये पांडाज सीरीज इज लाइक ए कॉलम इन ए टेबल, इट इज वन डायमेंशनल एरे होल्डिंग डेटा ऑफ एनी टाइप। तो हम लोगों का सीरीज बेसिकली एक कॉलम होता है, सिर्फ एक सिंगल कॉलम फ्रॉम ए टेबल। एक टेबल का एक सिंगल कॉलम होता है, मतलब सीरीज में सिर्फ एक एक कॉलम आप स्टोर कर सकते हो, वो भी एक वन डायमेंशनल एरे होता है, एरे की तरह होता है, जिसमें हम कि मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा थियोरी में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल में विश्वास करेंगे। तो हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपने जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग पांडास कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, पांडास को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे कि सीरीज सीरीज को कैसे यूज करते हैं। तो गाइज, पहले तो एक मान लीजिए आपके पास एक एरे है, एरे या फिर एक मान लीजिए एक सैलरी है, सैलरी की लिस्ट है आपकी 2000, 4000, 5000, फिर से 4000, फिर 8000, फिर 8000, 8000, ठीक है। इसे हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करके अब उस पे हम लोग डेटा मैनिपुलेशन पे, डेटा को कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास सीरीज फंक्शन। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सीरीज एक हम लोग पहले तो pd.ss सीरीज करेंगे, तो इसमें हम लोग अपना सैलरी ऐसे पास कर लेंगे। जो सीरीज होता है, हम लोगों का एग्जैक्टली चार पैरामीटर लेता है, चार पैरामीटर लेता है, राइट। एक तो डेटा, एक तो हो गया इंडेक्स, एक होता है डेटा टाइप और एक होता है कॉपी। तो डेटा जो होता है, ये हम लोगों को रिक्वायर्ड पैरामीटर है, जिसमें हम लोगों को देना ही देना हुआ है डेटा। बाकी तीनों जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल है। तो हम लोगों ने डेटा दे दिया, ये हम लोगों का सीरीज क्रिएट हो गया। अब इसे हम लोग स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, राइट, एक सीरीज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और अगर हम लोगों को इसे प्रिंट कराना है या फिर इसे रेंडर कराना है अपने विजुअल स्टूडियो के जुपिटर नोटबुक में, तो ऐसे सीरीज डॉट हेड करते हैं। हेड क्या होता है, हमारे जो सीरीज के ऊपर से, अगर इसमें हम हेड में अगर कोई हेड फंक्शन में अगर कोई भी पैरामीटर ना दे, तो ऊपर से फर्स्ट फाइव को ये प्रिंट करा देगा। देखिए, फर्स्ट फाइव को प्रिंट करा दिया, 1 2 3 4 5। अगर हम इसमें पैरामीटर दे के भी इसे प्रिंट करा सकते हैं, मुझे दो ही चाहिए, फर्स्ट टू चाहिए, तो ऐसे दो प्रिंट करा सकते हैं। फर्स्ट थ्री चाहिए, फर्स्ट फोर चाहिए, ऐसे फोर प्रिंट करा सकते हैं। ये तो हो गया गाइज हम लोगों का हेड फंक्शन। तो एक फंक्शन होता है सीरीज डॉट टेल फंक्शन। टेल फंक्शन क्या करता है, ये नीचे से मतलब लास्ट से फाइव ये प्रिंट कराता है, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट से फाइव प्रिंट करा रहा है। और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लास्ट के दो प्रिंट करा सकते हैं, लास्ट के पांच प्रिंट करा सकते हैं। इसमें हम लोग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें अपना नंबर डाल के। ये तो हो गया गाइज हम लोगों का, एक हो गया हेड फंक्शन सीरीज का, एक हो गया टेल फंक्शन। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप उठाया है इंटीजर 64, जो कि एक्चुअल में जो हमारी वैल्यू है उसी के बेस पे डायनेमिकली हम लोगों का पांडा जितना इंटेलिजेंट होता है कि उसका डेटा टाइप उठा लेता है, राइट। अगर मैं इसका सीरीज का हेड ऐसे अगर प्रिंट कराऊं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 0 1 2 3 4 ये होते हैं उनके इंडेक्सेस, जो कि बाय डिफॉल्ट ये 0 0 टू n नंबर ऑफ द इंडेक्सेस ये क्रिएट होता रहता है। तो हम लोग इसके इंडेक्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इंडेक्स को कस्टमाइज कैसे करेंगे ये सीखते हैं। तो सीरीज डॉट इंडेक्स फंक्शन आता है, जिसमें हम लोग इंडेक्स पास कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे वो नहीं चाहिए, 0 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे ए बी सी करके चाहिए, ए बी सी डी ई एफ। तो गाइज एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोगों का सीरीज का जो शेप होगा, सीरीज का जो शेप होगा, वही हम लोगों को यहाँ पे उतने ही नंबर, जितना लेंथ हम लोगों का सीरीज का होगा, उतने ही इंडेक्सेस हम लोगों को पास करने पड़ेंगे गाइस, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो हम लोगों ने 6 इंडेक्सेस पास कर लिए। अगर मैं अब प्रिंट कराऊं ए है फर्स्ट फाइव,
तो आप लोग देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 रिटर्न होके ए बी सी डी ई एफ हम लोगों ने अपना इंडेक्स चेंज कर दिया है। अगर हम लोगों को सीरीज का शेप प्रिंट कराना है कि इसकी लेंथ क्या है और वो क्या है, लेंथ देख सकते हैं हम लोगों की 6 है, हम लोगों की सीरीज की लेंथ 6 है। और सीरीज में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सीरीज हम लोगों को मल्टीपल मल्टीपल मैथ के फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लोग मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट, बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। तो जैसे सीरीज डॉट मीन मीन निकाल सकते हैं, टोटल का मीन मीन निकाल के दिया है कि एवरेज एवरेज जो सैलरी है ये है। सीरीज का हम लोग मॉड निकाल सकते हैं, राइट, सॉरी मॉड मीडियन, इस सीरीज का मीडियन है हम लोगों का 4500, राइट। सीरीज का अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो जैसे यहाँ पे ये मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है 2401। और अगर हम लोगों का सीरीज अगर हम लोग पूरा कंप्लीट प्रिंट कराएं, अगर तो हम लोगों का 6 है तो मैं 6 प्रिंट कराऊं तो इसमें डुप्लीकेट है, राइट। तो मैं चाहता हूं कि इसमें से सिर्फ यूनिक नंबर आए, यूनिक डुप्लीकेट ना आए। तो क्या करेंगे, सीरीज डॉट यूनिक, यूनिक फंक्शन आता है, यूनिक फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ यूनिक जो कि 4 वैल्यू रिटर्न हुई है, 2000, 4000, 5000 और 8000, जो कि हमारे यूनिक है, राइट, यूनिक फंक्शन आता है। मैं चाहता हूँ इस सीरीज को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ, सीरीज नए पांडाज के सीरीज को सीरीज में लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए सीरीज डॉट टू लिस्ट फंक्शन आता है, जैसे टू लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सीरीज को इसने इजिली टू लिस्ट फंक्शन के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यही यही पांडाज का एडवांटेज है गाइस, ये हम लोगों को बहुत ही ब्रॉड लेवल पे हम लोगों को एक बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, जिसका हम लोग यूज करके अपने डेटा में एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो सपोज दैट इसमें हम लोगों का जो सीरीज है, करंटली जो हम लोगों का सीरीज है अगर हम लोग देखें तो इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे 8000 और 4000 डुप्लीकेट है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे डुप्लीकेट ड्रॉप हो जाएं, तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स, राइट, ड्रॉप डुप्लीकेट। तो उसके लिए इस भी सीरीज के पास फंक्शन होता है ड्रॉप डुप्लीकेट करके, राइट। तो अग इसमें एक पैरामीटर लेता है कीप, कीप में फर्स्ट या फिर लास्ट आप रख सकते हैं कि मतलब पहला वाला अगर मैं रखूं या फिर लास्ट वाला रखूं। अगर मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूं इसमें से 2000, 4000 जो भी डुप्लीकेट होंगे, तो 4000 दो दो मिले मुझे, इनमें से दोनों में से ड्रॉप कौन सा करना है, पहला वाला या फिर लास्ट वाला। तो कीप अगर फर्स्ट कर देंगे तो ये लास्ट वाला ड्रॉप कर देगा, तो मैं फर्स्ट कर देता हूँ तो ये हम लोगों को पहला वाला ड्रॉप करके रिटर्न कर देगा। देखिए हम लोगों को रिटर्न कर दिया यूनिक नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज ऑफ द सीरीज, ये हम लोगों को रिटर्न किया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी सीरीज में चेंज हो जाए, हम लोगों को रिटर्न ना करे, तो यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐसे पास कर दे, इन प्लेस इक्वल टू, बाई डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो इसे ऐसे ट्रू कर सकते हैं। अगर आप ये ट्रू कर देंगे और रन कराएंगे तो इसी सीरीज में ये चेंज हो जाएगा, राइट। ये जो अभी रिटर्न कर रहा है ये उसी सीरीज में इन प्लेस चेंज हो जाएगा। तो जैसा मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये अभी कुछ रिटर्न नहीं किया, और अब अगर मैं सीरीज का पूरे अगर 10 तक प्रिंट कराऊं तो 4 ही आएंगे, क्योंकि ये उसी में चेंज हो चुका है और डुप्लीकेट उसने ड्रॉप कर दिया है, राइट। तो एक और फंक्शन देखते हैं कि अभी चेक करते हैं कि ये डुप्लीकेट इसमें है कि नहीं है, मतलब ये हमारा जो सीरीज है यूनिक है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन आता है, फंक्शन नहीं एक वो आता है इंस्टेंस, या फिर एक पैरामीटर आता है, या फिर इसे बोल सकते हैं एक वेरिएबल, इसे अगर हम कॉल करेंगे तो अगर ये यूनिक होगा हमारा सीरीज तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर डुप्लीकेट वैल्यू इसमें होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो गाइज अभी के लिए हम लोगों ने डुप्लीकेट ड्रॉप कर दिया है, तो हम लोगों का सीरीज कंप्लीटली यूनिक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा।
तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट सीरीज। हम लोग धीरे धीरे आगे अभी डेटा फ्रेम पढ़ेंगे, डेटा फ्रेम में बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल सल्यूशन बाय बीके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। सो थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।